छठ पूजा की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बिहार और यूपी के इलाकों में यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार में ठेकुए का प्रसाद बनता है। आज मैं आपको उसी की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, ये नॉर्मल आटा जिससे कि हम चपाती वगैरह बनाते हैं। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे चीनी, गोले का बुरादा और थोड़ी सी सौंफ डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे और इसके अंदर फिर मोइन ऐड करेंगे जिससे कि खस्ता बने। मैंने देसी घी का मोइन लगाया है, यदि आप चाहें तो तेल का भी इसके अंदर मोइन लगा सकते हैं। मोइन ठीक होने की वजह से ही हमारे ठेकुए एकदम खस्ता बनेंगे। इस मोइन को हमें अच्छे से रब करना है, बिल्कुल एक समान आटे में मिल जाना चाहिए और आखिरी में हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा मोइन ठीक है नहीं। आटे की मुट्ठी बनाएंगे, यदि मुट्ठी सही बंध रही है तो हमारा मोइन एकदम ठीक है, नहीं तो अब इसके अंदर थोड़ा सा मोइन और ऐड कर लें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। ये पूरी के आटे से भी ज़्यादा टाइट डो तैयार होगा और इसको ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे जिससे कि चीनी है थोड़ा सा घुल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, आटे को हम फिर से मथ लेंगे और अब इसकी हम मोटी मोटी लोइयाँ बना लेंगे। ठेकुए हमारे थोड़े मोटे बनते हैं इसलिए थोड़े से लोई मोटी ही बनाएं। इतने आटे में आपकी 3 लोइयाँ तैयार हो जाएंगी। अब हम इन लोइयों को बेलेंगे। पहले लोई लेंगे, उसको हाथ से प्रेस करेंगे और थोड़ा सा इक्वल करेंगे और बेलन की हेल्प से इसको थोड़ा थिक बेलेंगे, देखिए इस तरह से। फिर एक कुकी कटर के हेल्प से मैंने इनको गोल गोल कट कर लिया है, लेकिन यदि आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप कोई ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डो को इसमें से निकाल दिया है। जो ट्रेडिशनल ठेकुए बनते हैं वो पत्तियों की शेप के बनते हैं, तो मैंने आज सबसे पहले इनको पत्तियों की शेप दी है और इन पर हम पत्तियों का डिज़ाइन भी करेंगे टूथपिक की हेल्प से। वैसे तो मार्केट में ठेकुए बनाने के लिए मोल्ड भी मिलते हैं, लेकिन यदि आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से आसानी से टूथपिक की हेल्प से बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा पत्ती का डिज़ाइन हमारा तैयार हुआ है। दूसरी लोई को भी हमने इसी तरह से बेल लिया है, लेकिन इस बार मैं स्टार की शेप दूंगी। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं, फिर फोक की हेल्प से इस पर डिज़ाइन भी कर सकते हैं। हमारे सभी ठेकुए तैयार हो गए हैं, पत्ती वाले भी और स्टार वाले भी। अब हम इनको फ्राई करेंगे। जब हम इनको कढ़ाई में डालें तो घी हमारा हल्का ही गर्म होना चाहिए, नहीं तो इनमें ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और इनको हमें बहुत ज़्यादा पलटना भी नहीं है। जब एक बार ये ऊपर आ जाए, जब इनको चम्मच की हेल्प से पलट देंगे, इसी तरह से आप इनको लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। ठेकुए बनकर हमारे एकदम तैयार हो गए हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब ये थोड़े मुलायम हैं, लेकिन जैसे जैसे ठंडी होंगे ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से एकदम बनेंगे खस्ता। इस बार छठ पूजा के त्यौहार पर ठेकुए की आसान सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। एक बार फिर से छठ पूजा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ।